आज चूँकि 13 मई 2020 और लॉकडाउन का पीरियड, ऐसे में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त अयाद मोहसिन के वालिद मोहतरम और वालिदा जो मोहसिन खान और नसीम बानू, इनकी शादी को आज पूरे 50 साल होने जा रहे। जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त जलगांव 1970 के एक दंगल से गुजर रहा था। उस वक्त कर्फ्यू थे, हालात थे, और आज 2020 आज लॉकडाउन है। ऐसा 50 साल की ज़िंदगी में आज हमारे यहाँ पर इनका 50 साल जश्न हम मना नहीं रहे, बल्कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह ताला इन दोनों ने जिस तरह से अपनी 50 साल ज़िंदगी में बहुत चढ़ उतार देखे, जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत एक BSNL के टेलीफोन ऑपरेटर से होने के बावजूद आज उन्होंने अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी, एक उच्चतम शिक्षा दी, अपनी लड़कियों को संस्कार सिखाया और अपने बच्चों को संस्कार बताया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा कल कुआ में मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो आज एक अयाद मोहसिन जलगांव में इंजीनियर, और एक मास मीडिया का एक अच्छा जी चलती फिरती हमारे बीच में एक इंडिया 365 के तहत हमें सबसे जागरूक कराते। ऐसे खानदान के, ऐसे घर के जो मेन है हमारे खान साहब, उनको हम जलगांव जिला मनियार बिरादरी नहीं बल्कि जलगांव शहर मुस्लिम की तरफ से, ईदगाह ट्रस्ट की तरफ से, और जहाँ जहाँ हो सके उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके एक दो बात बताऊँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को तालीम दी, साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ अपने खानदान के बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छे संस्कार दिए। चूँकि उर्दू मीडियम का इंसान होने के बावजूद भी एक संस्कृत पे एक अच्छी लीडरशिप रही, आज उसका ये देखेंगे आप कि जिस तरह से अयाज मोहसिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी लैंग्वेज पे अयाज को जो मिला है, ये अपने बालकड़ू मिले, अपने वालिद मोहतरम से अपने बाप की एक ये जिसको अपने हेरिडिटी बोलते हैं वो मिले अयाज मोहसिन को, कि वो भी एक हर एक भाषा पे अपना प्रभुत्व रखते हैं। ऐसे हमारे खान साहब को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज उनको 50 साल हो गए, आने वाले बहुत जल्द वो सेंचुरी कर सके, 100 साल अपनी शादी की सालगिरह पूरी कर सके, ये उम्मीद के साथ मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ और अपने यहाँ पे दो अल्फाज खत्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।